क्या आपको पता है कि जो कोरियन लोग होते हैं वे अपने फेस पर दाढ़ी क्यों नहीं रखते? और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी मैथ्स का क्वेश्चन मौजूद है जिसे सॉल्व करने के लिए भाई साहब 30 साल का समय लगा था? और क्या आपको पता है कि भारत के किस शहर में सबसे पहले बिजली आई थी? तुम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 7, वैसे तो आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे फ्रूट मौजूद हैं जिन्हें खाने से हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है, लेकिन भाई साहब बनाना ही एक ऐसा फ्रूट है। अगर आप 2 केले खा लेते हो तो आपको 1.5 घंटे व्यायाम करने जितनी एनर्जी मिल जाती है, और इसीलिए बनाना को बॉडी बिल्डिंग वेट गेनिंग में भी रेकमेंड किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, वैसे तो बहुत सी कंट्रीज हैं दुनिया में जहां पर बहुत सी हिल्स यानी कि पहाड़ियां मौजूद होती हैं, लेकिन एक ऐसा देश है जहां की हिल्स को आप ऊपर से या फिर ड्रोन वगैरह की मदद से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इन पहाड़ियों के बीच में कोई लेडी सोई हुई है, और ऐसा हिल्स की आकृति यानी कि शेप की वजह से होता है। इसे स्लीपिंग लेडी माउंटेन के नाम से जाना जाता है, और यह माउंटेन अलास्का में मौजूद है। फैक्ट नंबर 5, आपके घर में भी बहुत से डिवाइसेस होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भारत में सबसे पहले किस शहर में आई थी? तो 1879 में वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आई थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते सभी शहरों में लगभग पहुँच ही गई है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि 7वीं शताब्दी से पहले ऐसा माना जाता था कि चाइना में आम नहीं मिलते थे, और वही 7वीं शताब्दी के आसपास ही एक चीनी यात्री थे जिनका नाम था हैंसांग। वह यात्रा करते हुए एक बार भारत में आए, और आपको तो पता ही है भाई साहब भारत में आम कितने ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहता है। तो चीनी यात्री जो थे उन्होंने भारत में आकर आम खाया तो उन्हें आम बहुत ज़्यादा पसंद आया, और साथ में ही भाई साहब उन्होंने बोरा वोरा भर के चाइना उठा ले गए आम को, और तभी से माना जाता है कि चाइना में भी आम की खेती होना शुरू हो गई। भाई साहब हर चीज़ में चोरी, छी छी छी। फैक्ट नंबर 3, आपने भी बहुत से फ्रूट खाए होंगे तो आपको भी पता होगा कि लगभग सभी फलों की प्रजातियां यानी कि वैरायटीज होती हैं। जैसे कि आप सेब को ही ले लीजिए, बहुत प्रकार के सेब इंडिया में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये गहरे नीले या फिर कहें तो पर्पल कलर का एक सेब होता है जिसे ब्लैक डायमंड एप्पल के नाम से जाना जाता है, और यह सेब ज़्यादातर तिब्बतीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। और इस सेब की खास बात यह है कि यह सेब जो नॉर्मल सेब होता है उसके कंपेरिजन में इसमें दुगना न्यूट्रियंट्स मौजूद होते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने भी अपने स्कूल टाइम में बहुत से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तब आपको भी यही लगता होगा क्या बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा मैथ्स का क्वेश्चन है जो कि 15,000 पेज का है, और इसे सॉल्व करने के लिए लगभग 100 गणितज्ञों ने मिल करके इस क्वेश्चन को 30 सालों में सॉल्व किया था भाई साहब। फैक्ट नंबर 1, आपने भी अगर सोशल मीडिया या फिर कोरियन मूवी वगैरह देखते होंगे तो आपने भी देखा होगा कि जो कोरियन लोग होते हैं या दाढ़ी वगैरह नहीं रखते, लेकिन ऐसा क्यों? तो दरअसल कोरियन लोगों का मानना है कि क्लीन शेव रखने से ज़्यादा अट्रैक्टिव और कम उम्र का लगा जा सकता है, और जो कोरियन गर्ल्स होती हैं उन्हें भी दाढ़ी जो आदमी रखते हैं वे आदमी उन्हें पसंद नहीं आते। तो कुल मिला के दाढ़ी न रखने का कारण यही है बाबू भैया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।